आज की वीडियो में विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका का हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, इकाई 6। इसका नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में दिए गए कोशिका के भागों के नाम बॉक्स में लिखिए। मतलब चित्रों को देख के, तो ये जो चित्र है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये कोशिका भित्ति, और ये चित्र है आपका क्लोरोप्लास्ट, और ये है केंद्रक। कोशिका में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, निम्नलिखित में कौन कौन कोशिकांग जंतु कोशिका पादप कोशिका में पाए जाते हैं उन्हें छांटकर तालिका में लिखिए। पादप कोशिका, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में पाए जाते हैं। वहीं जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। देखिए अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में वैसे तो कई सारे अंतर हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पादप कोशिका होती है उसकी जो बाहर की जो आउटर होती है ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक थिक लेयर, जबकि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जीवों को छांटकर एक कोशीय बहुकोशीय जीव की सूची में लिखिए। अमीबा, बकरी, पैरामीशियम, इसमें से कौन से एक कोशीय हैं? एक कोशीय जीव वो होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, मतलब एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, सूक्ष्म जीव जो होते हैं। और बहु कोशिका मतलब है बहु मतलब बहुत सारी, जो बहुत सारी कोशिकाओं जिसमें होती हैं, लाइक मनुष्य, बरगद, नीम, बंदर, ये सब बहु कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले हमारा शरीर में क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका मिलकर ऊतक बनाती हैं, और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। फिर कुछ अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और इस तरीके से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। जीवों में सभी कोशिकाओं की आकृति एक जैसी नहीं होती, चित्र में दिए गए कोशिकाओं की आकृति लिखिए। देखिए ये अमीबा है, और इसकी जो ये जो कोशिका है इसकी जो आकृति है वो अनियमित होती है, इसका कोई शेप नहीं होती, ये गोलाकार है और ये तुर्क रूपी है। नेक्स्ट, स्तंभ अ को ब से मिलाइए। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करना, केंद्रक कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण रखता है, राइबोसोम्स को मिलाएंगे प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, रिक्तिका जल और खनिज लवणों का संचय, और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए पादप ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रविभाजी ऊतक और एक स्थायी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के रेखांकित भाग में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम बॉक्स में लिखिए। तो ये जो प्लांट है इसके शीर्ष स्थान पे, जो शीर्ष पे यानी कि ऊपर पाया जाता है वो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है, और ये जो तना है उसमें पाया जाता है पार्श्व विभाज्य ऊतक, और जड़ों में अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। नेक्स्ट है जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नाम बॉक्स में लिखिए। जंतु ऊतक, जंतु में पाए जाते हैं एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के पिता पिछली माह से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें खाने के लिए कुछ दवाइयां दी और चीनी, चावल, मिठाइयां खाने से मना कर दिया। राधा के पिता को कौन सा रोग है? देखिए जिससे मिठाई खाने के लिए मना की जाती है वो रोग है मधुमेह यानी डायबिटीज़। राधा के पिता को ये रोग किस कारण हो सकता है? तो ये रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। यह है रेखित पेशी, ये अरेखित है और ये हृदय पेशी है। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु और तंत्रिकाएं। चित्र को पहचान कर कोशिका का नाम, ये कोशिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती हैं? तो ये चित्र जो आप देख रहे हैं तंत्रिका कोशिका का है, और ये कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए चित्र के रेखांकित भागों के नाम लिखिए। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है जिसमें ये ऊपर जो होते हैं इनको डेंड्रॉन कहते हैं, बीच में ये केंद्रक है और ये जो उसका पिछला भाग होता है इसको एक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। मनुष्य में समन्वय तंत्रिका तंत्र हार्मोन्स द्वारा किया जाता है या पौधों तथा जंतुओं में समन्वय हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए विकल्प देखिए, सिर्फ कथन एक सही है, दो सही है, दोनों कथन सही है, उसका हो जाएगा आंसर दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए चित्र को पहचान कर अंतःश्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। ये चित्र है थायराइड ग्रंथि का, ये अधिवृक्क ग्रंथि और ये अंडाशय। निम्नलिखित हार्मोन किन अंतःश्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं? वृद्धि हार्मोन है, देखिए पीयूष ग्रंथि से निकलता है, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से, एड्रेनल अधिवृक्क ग्रंथि से, और थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, एंड पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से। राहुल ने गमले में एक गेंदे का पौधा लगाया, कुछ लंबाई बढ़ने के बाद उसे तने का ऊपरी हिस्सा काट दिया। उसके दोस्त ने कारण पूछा तो राहुल ने बताया कि ऐसा करने से अनेक नई शाखाएं नीचे से निकलेंगी, नई शाखाओं के निकलने का कारण। देखिए नई शाखाओं के निकलने का कारण है प्रविभाजी ऊतक की उपस्थिति। ये ऊतक पौधों के तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में होते हैं और लगातार विभाजित होते रहते हैं, और ये जड़ों में भी पाए जाते हैं जो उनको वृद्धि में सहायक होते हैं, पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका का दीर्घीकरण करता है? ऑक्सिन। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? हरित लवक। उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है? उपास्थि संयोजी ऊतक है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं राइबोसोम्स।